असलम माई यूट्यूब फैमिली और यू आर आई होप यू आर आई डूइंग वेल सर टूडेज वीडियो इज अबाउ विंटर फीड के रूटीन तो यहाँ पर मैं आप लोगों से विंटर फीड के रूटीन शेयर करने लगी हूँ विच इज़ वेरी गुड फॉर यूर फीड फॉर योर यू नो अगर आप लोग के पैरों पर मैल शैल जमी हुई है और आप लोगों ने पेडिक्योर नहीं करना पानी वाले काम नहीं करने तो जनाब यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत सिंपल से थ्री स्टेप्स शेयर करने लगी हूँ जिसे आप लोग के फीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे आप लोग का रंग भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा तो ये आप महीने में दो दफ़ा कर सकते हैं एक दफ़ा कर सकते हैं ठीक है दो दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना आपने तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है विच इज़ ब्लीच यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लीच भी करेंगे यहाँ पर मैंने वन टेबल स्पून ले लिया आप लोग के पास जोन सा भी शैम्पू है ना आप वन टेबल स्पून शैम्पू ले लें वन टेबल स्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें और हाफ टेबल स्पून जो है ना वो अमोनिया ले लें ठीक है यहाँ पर सबसे पहले हमने इन सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से एक पेस्टा बना लेना ठीक है ये सारी चीजें आपस में ना मिक्स हो जानी चाहिए और ये एक ना इस तरह का लिक्विड बन जाएगा जब ये लिक्विड बन जाएगा तब हम इसे अपने फीट पर अप्लाई करेंगे आ, सेम गोज फॉर योर हैंड अगर आप लोग हैंड्स पर करना चाहते हैं हैंड्स पर भी कर सकते हैं नो इशू और यार मेरे गले को नहीं किया, पता नहीं क्या पता नहीं शायद खराब हो रहा है या पता नहीं क्या है आवाज इतनी अजीब आ रही है ना है कोई बात नहीं अब वॉइस ओवर तो करना ही है ना तो यहाँ पर जनाब हमने ना ये पेस्ट को ना अच्छे से लिक्विड को ना अपने फीड पर लगा लेना है और जहाँ जहाँ पर आप लोग को जरूरत है ना इवन के ये नकल्स के लिए बहुत अच्छी है आपकी अंकल अगर ब्लैक हो रही है ना डार्कनेस की तरफ जा रही है तो भी ये ब्लीच जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और जनाब ब्लीच लगाने के बाद ना आपने सूखने का वेट करना है जब ये सूख जाएगी ना तो आपने एक टॉवल लेना है ठीक है टॉवल आप लोगों ने ना अपने पास ही रख लेना छोटा सा ले लें और आपको ना बार बार पाउ धोखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बार बार पानी को मतलब हाल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सर्दियों में इस तरह होता है ना कि बार बार पानी को हाथ लगाने से ना बड़ी उलझन होती है लाइक ठंड वगैरह लगती है ना तो इस तरह से ना आप लोग को ना बार बार पानी भी नहीं यूज करना पड़ेगा और जनाब आपका जो है ना वो वो पाँव भी साफ हो जाएगा इसलिए आप लोग को ना एक छोटा सा टॉवल चाहिए होगा जो आपका ना थ्रू आउट द यू नो प्रोसीजर आपके काम आएगा तो यहाँ पर देखें जी यहाँ पर मैंने अपना फी जो फीट है ना वो क्लीन कर लिया है और आपने ना ये वाली ब्लीच नीचे भी लगा लेनी है ठीक है आपकी अगर हील्स क्रैक है ना तो फिर भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगी लेकिन ये है कि अगर आप लोग की स्किन नजर आ रही है ना जिनकी बहुत स्वेयर ख़राब है वो ना लगाएं वो अप्लाई ना करें जिनकी थोड़ी बहुत ख़राब है ना वो यही अप्लाई कर सकते हैं और इससे कोई भी मसला नहीं होगा और आपकी हील्स जो है ना वो रिपेयर भी होंगी ठीक है तो उसके बाद जनाब हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है विच इज़ मसाजिंग तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा का एक टुकड़ा ले लिया उसे मैंने इस तरह से ना कट्स लगा लिए हैं ठीक है कट्स लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ना हल्दी स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी अगर आप लोग के पास व्हाइट टर्मरिक है ना कस्तूरी हल्दी है तो आप हाफ़ टेबल स्पून भी इसमें लगा सकते हैं ठीक है, है? यहाँ पर मैं किचन टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ तो उसका मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा परपोशन लिया ठीक है तो उसके बाद हम इसे ना अच्छे से अपने फ़ीट पर मसाज करेंगे जैसे हम मसाज करते हैं ठीक है ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके फ़ीट को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करेगी और आपकी स्किन को हील करेगी तो जनाब अच्छा मैं एक बात बताना भूल गई हूँ जो मैंने ब्लीच वाला स्टेप किया ना अगर आप लोग के पाँव पर किसी किस्म का भी कोई कट वगैरह ना तो आप लोग वो जो है ना वो जो स्टेप है ना वो आप लोग स्किप कर दें ठीक है आप लोगों ने वो स्टेप नहीं करना इन केस अगर आप लोगों के पाँव पर कोई कट शर्ट वग़ैरह या फिर कोई आ, एलर्जी वगैरह ना तो आपने वो वाला स्टेप बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है तो हेयर यहाँ पर देखें जी हम अच्छे से मसाज कर लेते हैं और आप थोड़ी सी हल्दी जब लेंगे ना तो आपके पैरों पर कलर भी नहीं छूटेगा ठीक है जब आप बहुत ज़्यादा ये वाली किचन टर्मरिक ले लेते हैं ना तो आपके पैरों पर ना कलर रह जाता है इसलिए आपने थोड़ी सी लेनी है अगर आप लोग के पास वाइट टर्मरिक है तो वो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि उसका कलर नहीं रहता ठीक है तो यहाँ पर जनाब देखें इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ ही मिलना शुरू हो गया था ना लेकिन अभी हमारा थर्ड स्टेप रहता है विच इज़ मास्क तो यहाँ पर जनाब हमारा जो है ना वो सेकेंड स्टेप डन हो गया यहाँ पर मैंने अच्छे से पैरों को ना क्लीन कर लिया ठीक है देखिए यहाँ पर भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी फर्स्ट स्टेप में भी नहीं पड़ी ठीक है ये थर्ड स्टेप जो हम करेंगे ना इसके बाद हम एक बार सिर्फ अपने फीट वॉश करके आएंगे उसके बाद हम मॉइस्चराइज करेंगे एंड दैट्स इट ओके तो हैड यहाँ पर देखें जी थर्ड स्टेप विच इज मास्क तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया बेसन उसके बाद हमने ले लिया लाइम ठीक है लेमन भी ले सकते हैं लाइम भी ले सकते हैं वॉर एवर यू हैव तो यहाँ पर हमने लाइम ले लिया है यहाँ पर दो लाइम ले लेंगे और जनाब इसे हम स्क्वीज कर लेंगे ले अच्छे ले से सिर्फ ना ही नहीं, नहीं दोनों चीज़ों का ना पेस्ट हम बनाएंगे और ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा इसे हम अप्लाई कर लेंगे ठीक है आप चाहें तो साथ, साथ जैसे आप फैरों पर कर सकते हैं हाथों पर भी साथ ही कर लें और चाहें तो अलहदा भी कर लें आप लोग का जैसे दिल करे आप लोग वैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें जी हमारा बहुत स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है यहाँ पर मैं जो ना अप्लाई करूँगी और आज मैं आप लोग को ना नेल पेंट भी अप्लाई करके दिखा दूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि नेल पेंट अप्लाई करके दिखाएँ तो आज हम नेल पेंट भी अप्लाई करेंगे तो है यहाँ पर देखें जी जो जो है ना मास्क वो बन गया था और ये बहुत अच्छा मास्क है बेसन आप लोग को पता बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इन चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा सिंपल रखा है तो यहाँ पर देखें मैंने अपने दोनों पैरों पर लगा लिया है अब इसे सूखने का वेट करेंगे और अच्छे से इसकी मसाज करेंगे और हम फिर इसे वॉश कर रहेंगे ठीक है यहाँ पर देखें सूख गया था अब मैं इसे मसाज कर रही हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर देखें जी मैं वॉश कर रही हूँ और पाँव आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और आप लोग के नेल्स में जो भी मैल शैल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी आपके पैरों पर जो मैल शैल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इस स्टेप को आप दो दफ़ा कर सकते हैं यहाँ पर मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो मैंने बनाई हुई है जो मैं अप्लाई करती हूँ बहुत अच्छी क्रीम है आप लोग ज़रूर यूज़ करें और इसी वीडियो में मैंने आप लोग को लगाने का भी तरीका बताया हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अप्लाई करिएगा और आप अच्छा ये क्रीम अप्लाई करने के बाद ना आप कोशिश करेंगे आप लोग ना सॉक्स पहन के तो सो जाएँ ठीक है उसे ना मॉइस्चर लॉक रहेगा और आपके पाँव जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे ठीक है ना हेर यहाँ पर देखें जी मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट ले लिया था उसे अब हम अप्लाई करेंगे अच्छा नेल पेंट मैंने इतनी देर बाद अप्लाई किया ना कि मुझे ना करना ही नहीं आ रहा था हेयर यहाँ पर मैंने जैसे भी कर लिया तो आप लोगों के लिए मैंने करके आपको दिखा दिया है यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट ले लिया था ने, नेल पेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैंने बहुत देर बाद आज लगाया है मैं लगाती ही नहीं हूँ पहले मैं लगाती होती थी ना बहुत सालों पहले तो आज जो है ना वो मैंने बहुत देर बाद लगाया तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यहाँ पर मैंने एक ही पर बस लगाया था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए तो यहाँ पर देखें थी आ, बहुत प्यारा लग रहा है वैसे मुझे भी देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन नेल पेंट मैं लगाती हूँ ना थोड़ी देर बाद मुझे इतनी सख्त किस्म की उलझन होने लग जाती है ना कि बस मेरा दिल करता है मैं फटाफट से उतार दूँ तो हैर यहाँ पर देखें जी नेल पेंट हमारा लग चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का लग रहा है और जो ना आप यहाँ पर आ, वीडियो का करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ना अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों को ना जूता पहनकर भी दिखा देते हैं तो यहाँ पर मैंने फिर आप लोग को जूता पहनकर भी दिखा दिया ये जूता जो है ना वो वादे पाकिस्तान के पास है क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है और इतना ज़्यादा ये रिज़नेबल है ना कि हर दूसरे पाकिस्तानी के पास ये जूता है <laughs> और ये देखें जी मेरा मोस्ट फेवरेट जूता मैंने कहा आप लोगों को इसके साथ पेयर अप करके दिखाते हैं बहुत प्यारा लगता है ये जूता तो है जनाब वीडियो एंड करते हैं मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेमिडी के साथ अपना हेयर रखिएगा तो जनाब ठीक है अल्लाह हाफिज़ बाय